आपका स्वागत है सीडियो रिकॉर्डिंग में। मैं थैया हूँ और मैं आपको इसमें यह बताऊंगा कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पशु हीट में नहीं आता या उसमें मवाद आता है, तो काफी वेटनरी वाले मतलब ये करते हैं कि साहब बच्चेदानी की सफाई हो। अब ऐसा है, अब बच्चेदानी की सफाई का जमाना गया। अगर आप कोसा ग्रैंडिन है जैसे प्रग्मा है, इसमरेट है, वेडमेट है, इसको 2 ml सीधे पुट्ठे पे लगाइए, 2 ml जो है बाएं पुट्ठे पे लगाइए, उसके बच्चे दानी की स्वतः ही सफाई हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी मवाद आता है 1 हफ्ते बाद फिर ऐसा कर दीजिए। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बहुत से बिहार में तो कहते हैं हम सब वाशिंग करा दिया उसका। वाशिंग नहीं होता बच्चे दानी का, उसमें कार्पस लूटियम होता है, वो पोषक रणनीन ये से। मैं वेटेरियन को भी बता रहा हूँ कि आप अगर उसका ल्यूटालाइज या प्रग्मा का प्रयोग करेंगे हफ्ते हफ्ते, तो बच्चेदानी की सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सतह साफ हो जाएगा। पेट और बच्चेदानी ऐसी चीज होती है कि वो किसी भी गंदी चीज को अपने अंदर नहीं रखती। अगर आपकी आपका पशु ब्याह चुका है तो आप उसको ब्याहने के 10 दिन बाद हफ्ते हफ्ते में लगा दीजिए पेट या प्रग्मा, तो उससे उसकी सफाई हो जाएगी, हीट आना शुरू हो जाएगी। और बच्चिया वो पहली हीट में मत कराइए, उसको पहली हीट आ जाए उसके हफ्ते बाद प्रग्मा लगा दीजिए, और फिर हफ्ते बाद प्रग्मा लगा दीजिए, तो जो आप 20-20 दिन का वेट करेंगे हीट में आने का, वो आप 7 ही दिन में उसको हीट में ला सकते हैं, और इस प्रकार आप उसे ज्ञापन करा सकते हैं। तो मैंने आपको यही बताया कि ये जो प्रथा चल गई है कि साहब में बच्चेदानी की सफाई करा रहे हैं, मतलब बिहार में तो कहते हैं मैं वाशिंग करा रहा हूँ साहब उसकी, वाशिंग की कोई ज़रूरत नहीं है आजकल के उसमें। और मैं ये वेटरनेट को भी बता रहा हूँ, इंसेमिनेटर को भी बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे पास तो करीब 3-4 हजार जानवरों को फार्म को देखता, तो ऐसे में सफाई करने लगा तो हो जाएगा काम। इसलिए आजकल बहुत सिंपल है कि आप प्रग्मा या वेटमेट लगाइए, दोनों पुट्ठे पे लगाइए, क्योंकि अगर आप कार्पस लूटियम देख सकते तो एक ही पुट्ठे पे लगाने से काम हो जाएगा। अगर कार्पस लूटियम नहीं देख सकते आप, तो दोनों पुट्ठे पे लगा दीजिए आप। तो इसी के साथ मैं वार्ता समाप्त करता हूँ। वेटनरी कॉलेज प्रोफेसर रहा मैं, BSc MBSc PhD और मैं अवार्डेड भी हूँ एम्ब्रियो ट्रांसफर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और मेरी ट्रेनिंग ही एम्ब्रियो ट्रांसफर है। मैं मिस्टर भास्कर शर्मा के सर मेरी एम्ब्रियो लैब है यहाँ उत्तराखंड रुद्रपुर में, तो उसमें मतलब हम लोग जो है वो माइक्रोस्कोप से पैरासाइट देखना, एगन से इलेक्ट्रॉनिक आइगन से करना और एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रेनिंग देते हैं। यदि आपको इस अगर आप वेटरनेरियन है और किसी में इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हैं भास्कर शर्मा जी को, उनका नंबर 8279835572 है, 8279835572। मैं थैया हूँ और मेरा टेलीफोन नंबर जो है वो 8979749786866 है। धन्यवाद आपने सुना।